नमस्कार किसान भाई और मेरे पशुपाल को स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त विकास। दोस्तों हम अपने पशु को एक अच्छा संतुलित आहार दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, हमारे पशु को जो है वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते और वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। कई बार दोस्तों उसकी पसलियाँ वगैरह भी दिखने लगती है, उसको जो है उठने बैठने में तकलीफ होती है। कई बार ये जो है दोस्तों ऐसी स्थिति लंबी बीमारी के बाद भी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें कुछ उपाय करने होते हैं जिससे हम अपने पशु को जो है वापस ठीक कर सकते हैं, उसको अच्छा हट्टा कट्टा बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज इस उपाय के बारे में जानते हैं कि कैसे हम अपने पशु को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को बनाने के लिए सबसे पहले हमें गेहूं चाहिए, लगभग 400 ग्राम गेहूं चाहिए। दोस्तों इस गेहूं को हमको एक रात पहले अच्छे से भिगो लेना है और दूसरे दिन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो गेहूं होता है इसमें बहुत सारा प्रोटीन और फाइबर होता है जो कमज़ोर पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, इसलिए इसका इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों हमें अच्छे तरीके से कूट लेना है ताकि जो पशु है उसको हजम करने में किसी तरीके से परेशानी ना हो। इसके अलावा दोस्तों हमको लेना है सौंठ लगभग 50 ग्राम और वहीं हमको मूसली लेना है 50 ग्राम और इन दोनों चीज़ों को दोस्तों अच्छे तरीके से पाउडर बना लेना है। इसके लिए सबसे पहले हम सौंठ को कूट लेंगे। सौंठ में दोस्तों बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिससे पशु के हाजमे को दुरुस्त करता है और पशु जो भी दाना चारा वगैरह खाती है उसको अच्छे तरीके से हजम कर पाती है। और ऐसे ही दोस्तों हमको मूसली के साथ भी करना है, मूसली को भी अच्छे तरीके से कूट लेना है। उसके बाद दोस्तों इन दोनों चीज़ों को जो है मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है और एक बारीक पाउडर तैयार कर लेना है दोस्तों, जिससे जो है इसे मिश्रण में मिलाने में आसानी हो और पशु इसे आसानी से हजम कर सके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल बारीक पाउडर बन चुका है। अब इसे जो है हम मिश्रण में डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें हमें एक और चीज़ मिलानी है जो है मिश्री। यहाँ पर हमें जो है दोस्तों कुंज मिश्री इस्तेमाल करनी है क्योंकि ये प्योर होता है और ये जो है यहाँ पर इस मिश्रण के स्वाद को बढ़ाएगा। तो इसे भी हमें अच्छे तरीके से बारीक पाउडर बना लेना है दोस्तों, ताकि इसे भी हम मिश्रण में अच्छे तरीके से मिला सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, साथ ही ऑल को दबाएं ताकि सभी जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो इस मिश्री को बारीक पाउडर बनाने के बाद दोस्तों इसको हम मिश्रण में डाल देते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमें एक और आखिरी चीज़ डालनी है, वो है तिल। यहाँ पर जो है दोस्तों हमको लगभग 100 ग्राम तिल का इस्तेमाल करना है। तिल जो है दोस्तों हम काली तिल या सफ़ेद तिल कोई भी सा यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस मिश्रण के हमें दो हिस्से कर लेने हैं और एक लड्डू जैसा तैयार कर लेना है ताकि जो है हम अपने पशु को इसे खिला सकें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये लड्डू जैसा तैयार हो गया है, इसे हम अपने पशु को दे सकते हैं। इसे देने का तरीका ऐसा है दोस्तों कि हमें अपने पशु को प्रतिदिन एक लड्डू खिलानी है और ऐसे ही जो है हमें लगातार 10 से 15 दिनों तक करना है दोस्तों, जिससे हमारे कमज़ोर पशु की कमजोरी दूर हो जाएगी। और साथ में दोस्तों अपने पशु को जो है जो भी आप हरा चारा या दाना वगैरह खिला रहे हैं उसको रेगुलर देते रहना है। तो ये थी जानकारी दोस्तों आज की वीडियो में, और ऐसी जानकारी और भी चाहते हैं हम तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।